नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल के खाने के फायदे और इसके नुकसान के बारे में, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल को पतंजलि कंपनी के द्वारा बनाया गया है। शिलाजीत हिमालय की पहाड़ियों और चट्टानों पर पाया जाने वाला एक चिपचिपा और लसलसा पदार्थ है जो काले या भूरे रंग का होता है। शिलाजीत को भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक माना जाता है। यह लंबी उम्र और कई अन्य बीमारियों के लिए हजारों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। पुरुषों की यौन शक्ति को बढ़ाता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल के उपयोग से बूढ़े इंसान में भी 20 वर्ष के जवान की तरह ताकत आ जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल खाने के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे, तो आइए जानते हैं। दोस्तों पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल को रात को सोते समय एक कैप्सूल दूध के साथ लेना चाहिए और सुबह के समय एक कैप्सूल दिन में पानी के साथ लेना चाहिए। याद रहे कि खाना खाने के बाद ही इसका यूज करें, नहीं तो यह आपको कुछ भी फायदा नहीं करेगा और इसका यूज सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, नहीं तो यह आपको नुकसान भी कर सकता है। शिलाजीत का यूज रेगुलर करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आइए जानते हैं पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल खाने के फायदे के बारे में। यह थकान को दूर करता है। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को काफी लंबे समय तक थकान और सुस्ती का अनुभव होता है। CFS से पीड़ित व्यक्ति किसी भी काम को एक्टिव होकर नहीं कर पाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल की खुराक CFS के लक्षणों को दूर कर एनर्जी स्टोर करने में मदद करती है। CFS शरीर में कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करने से रोकता है जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्षमता प्रभावित होने लगती है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्षमता को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है जिससे शरीर में एनर्जी फिर से स्टोर होने लगती है और थकान की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अध्ययनों से पता चला है कि इसमें विशेष न्यूरोप्रोटेक्टिव क्षमता है। यह अविश्वसनीय पोषक तत्व अल्जाइमर रोग के हल्के मामलों का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल अपस्मारोधी गुण दिखाता है। स्वप्न दोष की समस्या को दूर करता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल स्वप्न दोष में भी काफी फायदेमंद होता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल में केसर, लोह भस्म और अंबर को मिलाकर यूज करने से स्वप्न दोष ठीक हो जाता है और पुरुष की इंद्रिय यौन इच्छा के लिए प्रबल हो जाती है। यह उपाय करते समय अधिक खटाई और मिर्च मसालों के यूज से बचे। तनाव की प्रॉब्लम को दूर करता है। यदि आपको तनाव यानी टेंशन की प्रॉब्लम होती है तो पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल का यूज करने से तनाव को पैदा करने वाले हार्मोन संतुलित हो जाते हैं जिससे इंसान को टेंशन नहीं होती है। यौन शक्ति को बढ़ावा देता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल का सबसे पहला और अहम फायदा यह है कि यह पुरुषों की यौन क्षमता को बढ़ावा देता है और साथ ही यह शीघ्र पतन को भी रोकता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल वीर्य को भी बढ़ाता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल का यूज करते हुए आपको मिर्च मसाले, खटाई और अधिक नमक के यूज से परहेज करना चाहिए। दोस्तों यह बांझपन को भी दूर करता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल बांझपन की प्रॉब्लम को दूर करने में काफी उपयोगी साबित होता है। बांझपन की प्रॉब्लम से ग्रस्त 60 पुरुषों पर एक स्टडी की गई जिसमें उन्होंने 3 महीनों तक भोजन के बाद दिन में 2 बार पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल की खुराक दी गई। 3 महीने के बाद स्टडी में शामिल 60% पुरुषों में स्पर्म की वृद्धि पाई गई है। बार बार पेशाब आने की समस्या को दूर करता है। दोस्तों यदि आपको बार बार पेशाब आता हो यानी कि बहुमूत्र आता हो तो आप जरूर पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल का यूज छोटी इलायची और शहद के साथ करें। इससे आपको जल्द ही इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। सूजन को कम करता है। गठिया की वजह से यदि सूजन की प्रॉब्लम हो गई है तो आप जरूर पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल को खाए। यह आपकी सूजन को कम कर देता है। पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद। दोस्तों अच्छी सेहत के लिए हमारा पाचन तंत्र भी स्वस्थ होना चाहिए। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल खाने से पाचन तंत्र की भी सभी परेशानियों को दूर करता है और आपको बीमारी लगने का खतरा कम हो जाता है। मधुमेह के लिए फायदेमंद। दोस्तों जिन लोग डायबिटीज से परेशान रहते हैं उनके लिए यह किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। शहद की 1 चम्मच में त्रिफला चूर्ण और 2 रत्ती पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल मिलाकर इसका यूज करने से डायबिटीज से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। दिल के रोगों के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों हार्ट से संबंधित रोगों, खासकर हृदय घात में पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल
बहुत ही लाभकारी होती है। इससे हमारे शरीर का रक्तचाप ठीक रहता है और हृदयघात की प्रॉब्लम भी दूर होती है। किडनी की प्रॉब्लम में पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल के फायदे। यदि किसी भी तरह की किडनी की प्रॉब्लम हो या फिर पैनक्रियाज जैसी परेशानी हो तो पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल का प्रयोग जरूर करें। इस रोगों में इसका उपयोग काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। ब्लड प्रेशर में यदि आप पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल का यूज करते हैं तो इससे आप हाई बीपी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यह शरीर में रक्तचाप को भी सुचारू बनाता है और साथ ही यह खून को भी साफ करता है। झुर्रियों की समस्या में लाभकारी होता है। जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तब चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है और इस वजह से हम बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। यदि आप पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल को सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा के साथ मिलाकर उसका लेप बनाते हो और उसे चेहरे पर लगाते हो तो इससे आपके चेहरे से कुछ ही दिनों में झुर्रियां खत्म हो जाएगी। हड्डियों की बीमारियां। दोस्तों, जो लोग गठिया और जोड़ों के दर्द के अलावा हड्डियों की अन्य बीमारियों से परेशान रहते हैं वे जरूर इसका सेवन करें, क्योंकि इससे आपकी हड्डियों में ताकत आती है जिससे वे फिर से मजबूत बनने लगती है। एनीमिया होने से बचाता है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयरन न मिलने से खून की कमी हो जाती है। इसकी वजह से थकान, कमजोरी, सिर दर्द, हृदय की गति बढ़ना और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल की खुराक लेने से शरीर में धीरे धीरे आयरन की कमी पूरी होने लगती है। यह रेड ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ाता है जिससे एनीमिया की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल खाने के नुकसान। वैसे तो पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसको अधिक मात्रा में खाने से यह आपको नुकसान भी कर सकता है। एलर्जी वाले लोगों को पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका यूज अधिक मात्रा में कभी न करें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताया कि पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल खाने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल यदि आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर घर बैठे ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं। दोस्तों, पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल के बारे में हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी यही तक। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के